आज क्रिकेट चल रहा है, ओम खेल रहा था, पहले अब ओम लग गया है तो अब ओम बन गया है। देखो अंपायर, अंपायर होता है, मैंने बहुत धूप में भी जैकेट पहन के रखी है। आपने माथे दिया है ये सारे मालूम नहीं है। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आउट हो चुकी हूँ। 145 रन हुए हैं मेरे और अभी आए हैं नए बैट्समैन, है ना, न्यू बैट्समैन। ओके ओम रेडी। अंपायर है ना, चीटिंग नहीं चलता गेम में। बॉल यहाँ अंदर चला गया है और आउट करना हमारे लिए हार्ड होता है ऑलवेज। Mira,
નીનો મજા આવે. Thank you.
का है 6 o'clock, तो अभी सिर्फ गाय का ही दूध निकालना होता है इवनिंग को, जो बहुत ईजी होता है। लेकिन अभी इसकी जो गाय की कृष्णा है जो बेटी है, वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो गाय उसको दूध पीने नहीं देती, तो थोड़ा सा 5 मिनट वो होता है, बाद में वो पीने देती है, पहले तो मारती है थोड़ा सा, लेकिन वो ये बछड़ी के बिना, कृष्णा के बिना वो दूध नहीं निकालने देती। सो बस अभी उसका दूध निकालने वाली हूँ। रामदेव और ओम अभी गए गाँव में, आज हमने टाइम से होमवर्क ख़त्म कर लिया, क्रिकेट आज हम सब ने खेला, तो क्रिकेट के बारे में एक और बात बताऊँगी, इसका मिल्किंग हो जाए बाद में। सो कीप वॉचिंग। इसको हैंडल करने में ये थोड़ी सी नोटी हो गई है, बड़ी हो गई है इसकी वजह से। तो अभी मैंने गाय का मिल्किंग कर लिया, मैं यही बोलने वाली थी, अभी जब हम क्रिकेट खेल रहे थे मोम और सब लोग, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शादी के बाद इतनी और जिम्मेदारियां आ जाती है कि सारी चीज़ों के लिए जो हमारी हॉबीज़ होती हैं उनके लिए टाइम नहीं होता। लेकिन मैं छोटी थी तब से मुझे ऑलवेज क्रिकेटर बनना था, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे गाँव में रहते थे वहाँ पे जो गली क्रिकेट्स खेलते थे मेरे चाचे के बेटे, मेरे भाई सब मिलके, तो मैं उनके साथ चुप चुप के खेलती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी वाले आसपास के लोग बोलेंगे कि ओ देखो ये लड़की हो के क्रिकेट खेल रही है ऐसा करके। सो फिर भी मैं मम्मी के साथ झगड़ा करके रोती थी, और उसके बाद भी मैं चाहती थी क्रिकेट खेलने, क्योंकि क्रिकेट मेरे दिल से बहुत मुझे सबसे अच्छा लगता था जब मैं क्रिकेट खेलती थी, तो बहुत अच्छा लगा। बाद में मैं राजकोट में भी थोड़े टाइम के लिए खेलती थी, जब मैं लंदन गई तब भी मैं वन स्टेट क्रिकेट क्लब जो है उनके साथ मैंने एक सीज़न खेला था पूरा, और बाद में मैंने जो बेसिक कोचिंग जो लेवल 1 का होता है वो भी मैंने वहाँ से किया था, कोचिंग का पूरा उसका सर्टिफिकेट भी है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल, अब तो ऐसा नहीं था जैसे 15-20 साल पहले गर्ल्स को इतना इंकरेज नहीं करते थे स्पोर्ट्स के लिए, आजकल तो सारी यंग गर्ल्स मैंने देखे जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होते हैं और उसके पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, हमारे अभी 4 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, रामदेव मुझे आके बोला जब 399 थे तो, कि बस अभी हमारे 1 सब्सक्राइबर ही बाकी था, तो हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच। बहुत कम टाइम में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, क्योंकि हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हमारे इतने जल्दी इतने सब्सक्राइबर्स इतने सपोर्टर्स हो जाएंगे, सारी पूरी दुनिया में है, जहाँ भी जाए कोई भी स्टेट्स हो या बाहर के कंट्रीज में भी से भी इतने सारे हमारे सपोर्टर्स है। सो थैंक यू सभी लोगों को। जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमारे 1,000 या 5,000 सब्सक्राइबर्स या 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, तभी से बहुत सारे ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं, जो ऑलवेज रेगुलर कमेंट करते हैं, एंड मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ उन सारे लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, जो अपना कीमती टाइम निकाल के 2 मिनट का या 5 मिनट का टाइम निकाल के जो हमारे लिए कॉमेंट लिखते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम सारी कमेंट्स पढ़ते हैं, हम सारी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते, सॉरी, क्योंकि आप सब लोग भी समझते होंगे कि इतनी सारी कमेंट्स का रिप्लाई करने में हमें इतना टाइम नहीं होता है, और रामदेव को भी बहुत सारा
अच्छे से खेत का मैनेज करना होता है। बाहर का और अभी शादी की सीजन स्टार्ट होने वाली है थोड़े ही टाइम में, और काजल की शादी है तो उसकी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन, तो बिजी होते हैं। मम्मी पापा इतना नहीं कर पाते, पापा बाहर जाते ही नहीं है, कम जाते हैं, और मम्मी भी नहीं जाते, तो हम दोनों को ही पूरा हैंडल करना होता है। तो वो हम सारी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन हम सारी कमेंट्स पढ़ते हैं आपकी जितनी भी कमेंट्स होती है, और बहुत ही हमें एक इंकरेजमेंट ऑलवेज मिलता है, जो सपोर्ट मिलता है। कभी कभी हम थोड़ा सा ऐसे सैड फील करते हैं, फिर भी आप कमेंट्स करते हो जिससे हमें फिर से एनर्जी मिलती है, फिर से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की एक इंकरेजमेंट मिलती है। सो थैंक यू सो मच। मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। रामदेव भी बोल रहा था कि मम्मा के वीडियो बनाएंगे, लेकिन अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, बाय। एंड रामदेव एंड ओम अभी आ रहे हैं गाँव से। अभी शिवानी को जल्दी से अंदर जाना है चने खाने के लिए, इसलिए शिवानी